कहते हैं कि डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस ऐसा नहीं मानती। साइंस के लिए डेथ बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम। डेथ का रीजन अगर हार्ट फेलियर है तो साइंस काम कर रही है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को लैब में ग्रो करने पे। डेथ ओल्ड एज से हो रही है तो जीन थेरेपी पे काम चल रहा है। और अगर ये सब आपको साइंस फिक्शन लग रहा है तो मिलिए ब्रायन जॉनसन से, जो क्लेम करते हैं कि उनकी बायोलॉजिकल एज 5 साल कम है उनकी एक्चुअल एज से। वो हर साल मिलियन स्पेंड कर रहे हैं अपनी एज को रिवर्स करने के लिए। अब हो सकता है कि ब्रायन का केस आपको थोड़ा एक्सट्रीम लगे, लेकिन ये सब किसी न किसी लेवल पे हमारे साथ भी हो रहा है। आज से 70 साल पहले तक ग्लोबली एक एवरेज पर्सन जीता था बस 45 ईयर्स, लेकिन इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, न्यूट्रिशन और मेडिकल फैसिलिटीज के चलते आज एक एवरेज पर्सन 72 साल तक जिंदा रहता है। और ऑप्शंस सिर्फ आपकी बॉडी की लाइफ बढ़ाने तक ही लिमिटेड नहीं, आप चाहे तो मैकेनिकल पार्ट्स यूज करके नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं अपनी बॉडी को। और बॉडी चाहिए ही क्यों, जब आप अपने आप को अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन बोर हो रहे हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं किसी क्लोन या मशीन में। बात अब पॉसिबल या इम्पॉसिबल की नहीं, बल्कि कब और कैसे की।